Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Moxden MBA Education. So guys, CMAT 21 notification is finally out and there is big change regarding the paper pattern. बहुत time बाद ऐसा हुआ है कि paper pattern change हो गया है, क्योंकि इस बार एक new section भी add हो गया है और ये mandatory section है. तो guys, हम लोग बात करने वाले हैं सबको CMAT के बारे में और कैसे आपको preparation करनी है, क्या date हो सकती है exam की, वो सब बात करेंगे. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो पर आ जाता है, काफी लोग की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं एक बार. गाइस हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप सीमेंट का जरूर से ज्वाइन कर लेना आप लोग, ये लिंक है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो गाइस पहली बात तो ये है कि नोटिफिकेशन ये वेबसाइट पे ऑफिशियल आप देख सकते हो कि 16th फेब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, 17th मार्च तक रहेंगे. ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 18th सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट है 18th ऑफ मार्च. ठीक है, करेक्शन वगैरह की जो विंडो आती है वो आपकी लास्ट 21st ऑफ मार्च है. ठीक है, करेक्शन विंडो. एंड देन गाइस डाउनलोड, अभी यहाँ पे डेट एंड एडमिट कार्ड का नहीं आया कुछ, तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि क्या होगा, बट स्टिल ये मान के चलो कि 21st मार्च अगर करेक्शन डेट है तो उसके मान लो बहुत ज्यादा हुआ, 3-4 दिन बाद भी एडमिट कार्ड आया, फिर उसके 6-7 दिन बाद भी एग्जाम करा सकते हैं. तो अगर जनरली ऐसा लग रहा है कि 5 अप्रैल तक मान के चलो एग्जाम हो सकता है, बट बहुत जल्दी किया इन लोगों ने, एक माइंड में रखो 31st मार्च को भी एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि 21st को अगर करेक्शन है, मान लो 24th को आपका एडमिट कार्ड आ गया, 24th को 31 तक कर देंगे लोग एग्जाम, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. बट अगर डिले की बात करी जाए तो क्या पता ये 10th अप्रैल तक चला जाए, क्या पता ये मिड अप्रैल तक भी जाए, पर मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा डिले होगा. मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा शायद ये 10th अप्रैल तक जा सकता है, 7th-8th अप्रैल तक, ये मानो. ठीक है, बाकी गाइस मेन तो अभी डेट आना है और अब देखते हैं हम लोग इसका पेपर पैटर्न. तो गाइस ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो बहुत टाइम से मुझे लगता नहीं कभी चेंज हुआ था. मतलब यहाँ पे पहले क्या था कि सारे 4 सेक्शन थे, क्वांट्स एलआर वीआरसी एंड जीके, ये 25 क्वेश्चन ईच होते थे, अब सबके 20 क्वेश्चन कर दिए और एक न्यू सेक्शन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐड कर दिया 20 क्वेश्चन का, ये मैंडेटरी हो गया. लास्ट ईयर भी आया था ये, और लास्ट ईयर मैंडेटरी नहीं था, कर दिए. तो गाइस टोटल क्वेश्चन 100 ही है, टोटल मार्क्स 400 है, बट इशू ये है, मतलब यहाँ पे इन्होंने चेंज ये किया है कि सबके क्वेश्चन 20 कर दिए और एक सेक्शन बढ़ा दिया है, सॉरी. ठीक है गाइस, अच्छी बात क्या है कि जीके का जो 25 क्वेश्चंस पूछे थे, काफी लोग जीके से डरते थे कि 25 क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब वो 20 हो गए. तो मतलब आपको बाकी जीके तो करने तो है ही है, बट स्टिल और ज्यादा फोकस करो नॉन जीके में. और गाइस दूसरी चीज ये भी है, क्वांट्स जो 3 सेक्शन है ना गाइस, उनका लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और जीके थ्योरी वाले होते हैं चैप्टर से, यहाँ पे टाइम कम लगता है. तो ये लोग 3 घंटा दे रहे हैं और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम मेरे ख्याल से कम लगेगा शायद. ठीक है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होगा तो हो सकता है लेवल थोड़ा सा ऊपर हो. बस वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए बढ़ो तो अच्छा रहेगा, इजी इजी चीज मत करो. ठीक है, रिगार्डिंग द मॉक्स एंड कोर्स, गैस परेशान मतलब जिन्होंने मॉक्स दिए हैं जो लेने वाले हम लोगों के, 23rd के बाद से हम लोग सारे मॉक्स अपडेट करना शुरू कर देंगे. अभी आप लोग सीमेंट कोई भी मॉक मत देना हम लोगों का. ठीक है, 23rd के बाद मैं फिर से एक ही मॉक लाइव करूंगा. जिन्होंने जो मॉक दे दिए थे वो लोग वहां पे एनालाइज कर सकते हैं, उनको नया सेक्शन दिख जाएगा. ठीक है, बाकी 4 सेक्शन जो है उसमें तो क्वेश्चन हम लोग रिड्यूस करेंगे, हटा देंगे, बट 20 क्वेश्चन ऐड होंगे इनोवेशन, वो ऐड होंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे से तैयारी करो गाइस, बहुत अच्छा मौका है, बहुत चांस है, बिकॉज जीके के 5 क्वेश्चन कम हो गए तो जीके पे डिपेंडेंसी कम हो गई. बस आपको ये नया सेक्शन में काम करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करनी पड़ेगी, आपको उसमें कुछ भी पूछा सकता है तो आपको ढंग से करना है. ठीक है, इनोवेशन के बारे में, इनोवेशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग वगैरह सब पढ़ के जाना, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग. ठीक है, ये चीज है. बाकी गाइस पेपर पे बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देखे लिए है, और पर मार्क्स क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है और माइनस में नेगेटिव मार्किंग वो आई है. ठीक है, तो गाइस जो लोग अभी भी ढंग से पढ़ना चाहते हैं, देखें चेक आउट द सीमैट कोर्स हम लोग का था बिल्कुल वही है, उसमें हम लोगों ने एक सेक्शन और ऐड कर दिया, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का, जितना भी है वीडियोज भी हो सकते हैं, पीडीएफ भी हो सकते हैं, और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना भी हम लोग लगाएंगे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सब आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, कोर्स की प्राइस एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, 3500 कोर्स है और 550 टॉपिक टेस्ट, पूरा डिटेल्ड लाइव जूम क्लासेस, सबकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, 3500 क्वेश्चन की, डेडिकेटेड जीके फॉर बीए जीके कोर्स. जैसे अभी टेस्ट में हम लोगों ने पास पेपर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, वैसे ही सीमेट में डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है और ढंग से करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है जेबी जाने का. ठीक है, काफी लोग पैनिक करने लगे कल से कि यार नया सेक्शन आ गया, डरो मत, एक स्ट्रक्चर में देखो पढ़ना क्या है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. ठीक है, तो सब चीजें हो जाएंगी. बाकी ये लास्ट ईयर रिजल्ट से देख सकते हो, लास्ट ईयर रिजल्ट काफी अच्छे थे, जबकि लास्ट ईयर तो कोई लाइव क्लास होती ही नहीं. ठीक है, तो
गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। बाकी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, एक नंबर मेरा व्हाट्सएप पर दिया हुआ है और वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप में मैं आपको डिटेल्स डेमो वीडियो सभी भेज दूंगा, तो अच्छे से करो गाइस, हो जाएंगी। और जो लोग एसआरसीसी या एसटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह रिपोर्ट से पूरा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर आप उठते सीमेट एसआरसीसी देने तो आपके और अच्छा है, देख लो अभी भी चांस है गाइस। और हम लोग 2-3 दिन में इसके एनरोलमेंट क्लोज करने का भी सोच रहे हैं, बिकॉज टाइम नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक्स हम लोगों के, अगर सिर्फ मॉक्स देना हो तो 10 फुल मॉक्स 90 के हैं अपडेटेड पैटर्न पे। 23rd के बाद से आप मॉक देना शुरू करना, मैं अपडेट करूंगा वेबसाइट। चलो गाइस बाय।